खबर मध्य प्रदेश के विधानसभा की है। बजट सत्र का आज चौथा दिन है, जहां सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई है। सदन में बजट पर चर्चा की जा रही है और ऐसे में विधानसभा से एक अनोखी तस्वीर भी दिखाई दी, जहां पर टिमरनी विधायक मूंग की बोरी लेकर पहुंच गए थे और इस दौरान सदन में विधायकों से सवालों का जवाब मंत्री भी देते दिखे। तो किसान, सड़क, पॉलिसी मेकिंग जैसे मुद्दे को लेकर विधानसभा में चर्चा की जा रही है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। एमपी विधानसभा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर आप देखेंगे कि टिमरनी विधायक जो है अभिजीत शाहू मूंग के दाल की बोरी लेकर पहुंच गए। हालांकि इनको अंदर नहीं जाने दिया गया, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए कि मूंग की बोरी लेकर टिमरनी विधायक अभिजीत शाहू मध्य प्रदेश विधानसभा के बाहर पहुंचते हुए दिखाई दिए। तो आइए इस खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अंचल मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल, ये तस्वीरें बेहद खास रही आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिला कि अभिजीत साहू जो है मूंग की बोरी लेकर पहुंच गए। क्या कुछ कारण रहा इनका मूंग की बोरी लेकर पहुंचना अंचल? देखिए राधा, समर्थन मूल्य को लेकर के लगातार कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही थी कि जो किसानों से वादा किया गया था, समर्थन मूल्य की बात की गई थी, उस समर्थन मूल्य पर उनकी खरीदी नहीं हो रही है, जिसका विरोध स्वरूप वो यहाँ पर पहुंचे थे। और इसके अलावा आज विधानसभा का चौथा दिन है, तीन दिन तो लगातार हंगामेदार रहा था, नरसिंह घोटाला मामला लगातार गूंजता रहा था। आज भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पक्ष के जो विधायक हैं वो सवाल कर रहे हैं मंत्रियों से और उसका जवाब दिया जा रहा है। बीच बीच में हालांकि लेकिन इसके बावजूद स्पीकर जो है तो वो दोनों पक्षों के लोगों से इस बात को कि जो प्रश्नकाल है आज लगभग 25 प्रश्न आज लगे हुए हैं, 25 से 30 प्रश्न आज विधायकों द्वारा पूछे जाने हैं, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के जो विधायक हैं वो शामिल हैं। आप देखिए किस खराब सड़कों का मामला सदन पर उठा है, नल जल योजना का पानी अभी तक लोगों तक के पास नहीं पहुँचा है, उसका मामला उठा है, वृद्धा पेंशन का मामला है। तो तमाम जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो सदन में उठाए जा रहे हैं और उसका बकायदा जवाब दिया जा रहा है मंत्रियों द्वारा। और संसदीय कार्य मंत्री जो हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो लगातार हर सवाल पर जवाब दे रहे हैं और सरकार का पक्ष भी रख रहे हैं। हालांकि आज सदन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी व्यस्तताओं के चलते नहीं आए हैं, वो दिल्ली रहेंगे और दिल्ली के बाद वो शाम को छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, जहां मरवाड़ा विधानसभा में वो कमलेश शाह जो प्रत्याशी हैं, उपचुनाव होने हैं वहां पर, उनके पक्ष में प्रचार करेंगे कल। तो 4 और 5 को जो मुख्यमंत्री हैं वो अमरवाड़ा में रहने वाले हैं राधा, और विधानसभा की कार्यवाही अभी लगातार चल ही रही है और 14 बैठकें होनी है, 19 तारीख तक ये विधानसभा का सत्र होना है। लेकिन पहले ही दिन से जिस तरीके से आक्रामक तेवर में नजर आई थी कांग्रेस और नरसिंह मामले को लेकर के, तो और उसके पास कौन से ऐसे मामले हैं जिसको लेकर वो हंगामा कर सकती है या बहिर्गमन कर सकती है या विरोध कर सकती है या प्रदर्शन कर सकती है सदन के भीतर, ये अभी देखना होगा। अभी तो सामान्य परिस्थितियों में विधानसभा संचालित हो रही है राधा। ठीक है अंचल, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। तो विधानसभा सत्र का चौथा दिन है और ऐसे में हंगामे के आसार जो है लगातार बने हुए हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी अंचल ने भी बताया कि आगे और किस तरीके से हंगामा हो सकता है, क्योंकि 19 जुलाई तक ये सत्र चलना है और ऐसे में क्या क्या हंगामे देखने को मिलेंगे ये आगे देखने वाली बात होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बजट पेश होने को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मध्य प्रदेश का बजट एक जनहित का बजट है। तो वहीं इस बजट को सिंधिया ने विकासशील बताया है और कहा कि सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, चाहे नगरीय प्रशासन हो, स्वास्थ्य हो एवं चिकित्सा हो, प्रदेश के विकास को चौगुना करना ही बीजेपी की संकल्प बताया है। मध्य प्रदेश का बजट जनहित का बजट है, विकासशील बजट है, प्रगतिशील बजट है, हमारे सभी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, चाहे शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, हर एक विभाग के बजट में बढ़ोतरी की गई है और प्रदेश का 100 गुना विकास हम लोगों का संकल्प है। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा एक बजट उन्होंने निकाला है। तो खबर अब जबलपुर की, जहां पर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर कांग्रेस पार्षदों ने अनोखा प्रदर्शन किया है।
बताते चलें कि वेतन न मिलने के कारण सफाई कर्मियों ने हड़ताल किया हुआ है। हड़ताल की वजह से शहर में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्षद निगम कार्यालय पहुंचे हुए हैं और कार्यालय के सामने कचरा फेंक कर अनोखा प्रदर्शन किया है। तो ये तस्वीरें जबलपुर की आप जहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्षदों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस पार्षद जो है प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस कार्यालय के बाहर पहुंचे और वहां पर कचरा फेंकना भी शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं कि कैसे ये कचड़े का ढेर आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो वेतन न मिलने पर सफाई कर्मियों की ये हड़ताल जारी है और आप देखिए कि कैसे सफाई कर्मचारी जो है कचड़ा जो है कांग्रेस कार्यालय निगम कार्यालय के बाहर फेंकते हुए नजर आ रहे हैं। तो हिंदुओं के ऊपर दिए गए बयान को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा में आक्रोश दिखा है, जहां सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया। मेहरनगर के घंटाघर चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और ये मेहर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर आपको बता दें कि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जला दिया है और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है और भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है। इसी बीच इंदौर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। धार भोजशाला मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर है। कोर्ट ने 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं, तो अगली सुनवाई 22 जुलाई को होगी और एएसआई ने रिपोर्ट पेश करने के लिए समय भी मांगा था। लेकिन आपको बता दें कि कोर्ट ने 15 जुलाई तक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे दिए हैं, तो अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। और ऐसे में आपको बता दें कि एएसआई ने रिपोर्ट पेश करने के लिए और भी ज्यादा समय मांगा था, लेकिन कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। तो 2 जुलाई को एएसआई ने लगाई थी रिपोर्ट पेश करने के लिए 4 सप्ताह और समय देने की याचिका के बाद सुनी थी, लेकिन अब जो है कोर्ट ने कह दिया है साफ तौर से कि 15 जुलाई तक आपको रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी। तो खबर मुरैना से, जहां पर कैलाश रस थाने के सामने स्टंट बाजी देखने को मिली है, जहां ट्रैक्टर चालक सड़क के बीचों बीच स्टंट करता नजर आया। और आप देख लीजिए मुरैना की ये तस्वीर, कैसे ट्रैक्टर चालक जो है हवा में आपको स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टंट बाजी करते हुए ट्रैक्टर चालक का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जहां ओवरलोड ट्रैक्टर को 2 टायरों पर चलाते देखा जा सकता है। तो ड्राइवर के स्टंटबाजी ने लोगों की जानों को हल्के में डाल रखा है। तो स्टंटबाजी करता युवक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है और आप ये देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर ट्रैक्टर चालक स्टंटबाजी करता हुआ सड़क के बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है। तो वहीं सीहोर में विस्तार न्यूज की खबर का असर हुआ है। नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन कर रहे माफियाओं को लेकर विस्तार न्यूज ने मामले को प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद से सरकार ने इस मामले में संज्ञान लिया और खनिज विभाग में कार्यरत सब इंस्पेक्टर सहित 2 होमगार्ड को लाइन अटैच कर लिया है। तो सीहोर की ये तस्वीरें आपको बता दें, विस्तार न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था और अब विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर भी होता हुआ दिखाई दिया है। तो अब बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां ऑस्ट्रेलियन नागरिक से करोड़ों की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी पर साइबर क्राइम का सिकंजा चल रहा है। बताते चलें कि एप्पल कंपनी से अनुबंध वाला प्रोजेक्ट एप्लीकेशन के नाम पर आरोपियों ने ऑस्ट्रेलियन नागरिक से ठगी की थी। पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑस्ट्रेलियन फरियादी के बयान भी दर्ज कराया था। तो आपको बता दें कि इंदौर क्राइम विभाग ने सिकंजा कसा है और धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो आपको बता दें कि इंदौर की ये खबर है, जहां पर ऑस्ट्रेलियन नागरिक से करोड़ों की धोखाधड़ी करने पर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
तो साइबर क्राइम की टीम ने आरोपी पर शिकंजा कसा और अब उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। तो पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑस्ट्रेलियन फरियादी के बयान दर्ज कराए थे और अब उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो मध्य प्रदेश में मॉनसून के एंट्री होने के बाद लगातार बारिश हो रही है। कई जिलों में तेज बारिश तो कई जिलों में हल्की बारिश देखने को मिल रही है, जिससे तापमान में भी अब काफी गिरावट देखने को मिली। विस्तार न्यूज से बातचीत करते हुए मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव ने कहा कि अगर आज की बात करें तो आज ग्वालियर चंबल इलाके में तेज बारिश के अनुमान है। तो साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले एक हफ्ते में राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री के बाद लगातार जमकर बारिश हो रही है। राजधानी भोपाल में भी लगातार सुबह से ही मौसम बदला हुआ है और बादल छाए हुए हैं, बारिश के अनुमान जताए जा रहे हैं। ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव जी हैं। सर, लगातार बारिश तो हो रही है, देख रहे हैं कई जिलों में तापमान में गिरावट आई है। आज का अगर मौसम की बात करें, आज कल की, तो कैसा रहने वाला है? आज भी बारिश के पूरे आसार बने हुए हैं, जैसा कि एक पाकिस्तान से लेकर एक ट्रफ लाइन बांग्लादेश तक जा रही है जो अपने नॉर्थ एमपी के ऊपर से गुजर रही है, और एक नॉर्थ वेस्ट उत्तर प्रदेश पे ऊपरी हवाओं का चक्रवाती केंद्र बना हुआ है, एक चक्रवाती केंद्र नॉर्थ ईस्ट एमपी पे बना हुआ हैगा और एक गुजरात के ऊपर बना है। तो गुजरात के वजह से पूरा मॉइस्चर वगैरह इंकर्शन पूरा प्रदेश में अच्छा खासा आ रहा है, उसके वजह से बाद प्रधानमंत्री मोदी टीम इंडिया से मुलाकात कर रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारतीय टीम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करती हुई, उनसे बातचीत करती हुई, और ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक वक्त था जब नवम्बर में भारतीय टीम को वर्ल्ड कप में शिकस्त मिली थी, भारतीय टीम फाइनल के मैच में हार गई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का उत्साह बढ़ाया था, उनसे मुलाकात की थी, सबको हिम्मत दी थी और कहा था कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन आज ये जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी आज भारतीय टीम से मुलाकात करते हुए, और आप ये तस्वीरें देखिए, ये तब की तस्वीरें हैं जब आज टीम इंडिया दिल्ली पहुंची है बारबाडोस से, और ये जश्न की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जब एक सेलिब्रेशन के दौरान केक भी काटा गया। तो खबर रीवा से, रीवा के चंदई गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां पर शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता की दबंगई सामने आई। बताते चलें कि लाभार्थियों द्वारा खाद्यान्न की जानकारी मांगने पर विक्रेता ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जमकर तमाचा भी जड़ दिया। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, ये देखिए इस तरीके से मेरे साथ में मारपीट किया जा रहा है। आप देखिए कि कैसे जानकारी मांगने पर विक्रेता ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है और फिर इसके बाद थप्पड़ भी चढ़ा है। आप लोग सबको गवाह आधार है, यहाँ पे ये जो है हमारे साथ में अभद्रता किए हैं। तो जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने गुरुवार को सुबह श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। कलेक्टर द्वारा श्री महाकाल महालोक के द्वितीय फेज के अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन किया गया तथा निर्धारित समय सीमा में कामों को पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। तो चलिए सीधा रुख करते हैं उन तस्वीरों का जहां पर आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय टीम से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आज बेहद खास हैं क्योंकि भारतीय टीम T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप मुकाबला जीत कर आई है, जिसके बाद आज भारतीय टीम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कर रही है। और ये तस्वीरें बेहद खास हैं, बेहद ऐतिहासिक हैं, क्योंकि नवंबर का वो दौर था, वो दिन था जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप में, आपको बता दें कि फाइनल में भारतीय टीम को हार मिली थी, तब प्रधानमंत्री मोदी ने सभी का उत्साह बढ़ाया था, उनसे मुलाकात की थी। और आज ये तस्वीरें बेहद खास इसलिए हैं क्योंकि वही दौर वापस से रिपीट हुआ है, लेकिन आज खुशी का जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि टीम इंडिया इस बार T20 इंटरनेशनल में वर्ल्ड कप जीत कर लौटी है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि राहुल द्रविड़, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत,
सभी खिलाड़ी मौजूद हैं। युजवेंद्र चहल भी आपको देख सकते हैं और पूरी भारतीय टीम आपको यहां पर दिखाई देगी। तो बेहद खास तस्वीरें, आज ही टीम इंडिया बारबाडोस से लौटी है। दिल्ली लौटने के बाद जो है जश्न की तस्वीरें सामने आई थी, जश्न का माहौल दिखाई दिया था, केक कटिंग की गई और अब ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री मोदी भारतीय टीम से मुलाकात करते हुए। तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं कि कैसे हार्दिक पांड्या हो, फिर रोहित शर्मा हो या फिर विराट कोहली, हर किसी के चेहरे पे खुशी की लहर है। लेकिन वही नवंबर की तस्वीरों को आप याद करिए जब भारतीय टीम जो है हार गई थी वर्ल्ड कप में, अपनी ही जमीन पर हारी थी। तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने ड्रेसिंग रूम में जाकर उनसे मुलाकात की थी, उनका उन्होंने मनोबल बढ़ाया और कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। लेकिन ये आज की तस्वीरें हैं जब भारतीय टीम T20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप मुकाबला जीतकर भारत वापस लौटी है और केक कटिंग की गई और टीम इंडिया का स्वागत किया गया। पन्ना नगर पालिका की लापरवाही के चलते पन्ना जिले के मुख्य चौराहे पर गाय भैंसों का जमघट लगा रहता है। आलम यह है कि कोतवाली थाना क्षेत्र के कोतवाली चौराहे पर दो बैल आपस में जबरदस्त तरीके से लड़े, जिसमें कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हो गए। तो रोड के दोनों तरफ जबरदस्त तरीके से जाम लगा और आपको बता दें कि लोग जो है तमाशा देखते रहे। तो कई लोगों ने नगर पालिका को भी सूचना दी लेकिन नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे, तो पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है। जो जानवर रोड आते रहते हैं इधर मटके मटके रखते रहते, वो मोबाइलों की दुकानें हैं, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। नगर पालिका इसको पकड़ती ही नहीं है और कुछ कर दो तो कार्रवाई चालू हो जाती है। नगर पालिका से ही चाहते हैं कि इन जानवरों को अच्छे से पकड़ लें, गौशाला के चौक में इसमें छोड़ दिया जाए, उन्हें अच्छे के लिए खाना पीना मिले। इधर बैल लड़ते रहते हैं जिसके कारण ये नुकसान होता है। देखिए ये बोर्ड टूट गया मेडिकल के सामने और ये गाड़ियाँ टूट गई, इनके मटके के नुकसान हो जाते हैं। आए दिन का कारनामा है ये, ट्रैफिक भी लगा रहता है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर पाली जनपद के कुमुर्द गांव में स्कूल की इमारत गिर गई। उमरिया की ये तस्वीरें हैं जहां पर मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। तो पाली जनपद के कुमुर्द गांव में स्कूल की इमारत गिर गई है और आप ये तस्वीरें देखिए कि कैसे ये इमारत गिरने का कारण भी आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जब हम तस्वीरें देख रहे हैं तो उसमें साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि ये इमारत कितनी पुरानी है। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और ये जर्जर अवस्था में थी, इसमें कोई स्कूल संचालित नहीं है। उसी कैंपस में स्कूल की नई बिल्डिंग बनी है, उसमें स्कूल संचालित है। ये जो छत गिरी है ये हमारी पूर्व से ही खतरनाक बिल्डिंग हो सकते, ऐसी जिले में 96 बिल्डिंग्स हैं जिनमें कोई स्कूल संचालित नहीं हो रहा है और उनको हमने पंचायत के सरपंचों को लिख के दे दिया गया कि ऐसी बिल्डिंगों को तुरंत डिसमेंटल करें। मेरे बच्चे इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, दो बच्चे हैं, वो संडे के दिन छत गिरा। अगर स्कूल वर्तमान में स्कूल टाइम लगा स्कूल होता तो छत बच्चों को कुछ भी क्षति आ सकता रहा था। हमारा मेरे नाम से 181 में कंप्लेन भी है सितंबर माह से भी, अच्छा आचार लगने के पहले, अभी तक ध्यान पूर्वक नहीं दिया जा रहा था। गांव के लोगों के द्वारा सूचना मिली कि आपके यहाँ की बिल्डिंग गिर गई है, तो सहायिका लोग बताएं, वो बोली कि हम सामान वामान निकाल के रख लिए हैं लेकिन माने बिल्डिंग गिर चुकी है। अब जहां हमारी विद्यालय लग रही है वहां भी ये विद्यालय जर्जर स्थिति में है और बच्चे अब आज की स्ट्रेंथ ही कम आई है, बहुत कम बच्चे आए हैं क्योंकि गार्जियन अब बोल रहे हैं कि हम अपने बच्चों को अब विद्यालय नहीं भेजेंगे, शासन प्रशासन क्या करेगा, अगर कुछ हो जाता है तो 1-2 लाख रुपए मुआवजा दे देगा, उससे हमारा क्या होगा। विद्यालय कैंपस के 2 कक्ष हमारे बहुत पुराने हैं, जो अभी पिछले वर्ष कलेक्टर साहब ने एक अभियान चलाया था उसमें पूरे ज़िले की जो ऐसे बिल्डिंग्स जो अनुपयोगी हैं उनको चिन्हित किया था, वो उसमें शामिल है और उसमें कोई कक्षाएं संचालित नहीं हो रही। PWD के द्वारा हमारे पास उसका अमेंडेड का सर्टिफिकेट भी आ चुका है और पंचायत को उसको गिराने के लिए हम आदेश भी कर रहे हैं।
यूआईडीएआई ने नए आधार कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। इसके तहत 18 साल या फिर उससे अधिक उम्र के लोग यदि आधार के लिए एनरोलमेंट कराएंगे तो उन्हें कार्ड अधिकतम 6 महीने में मिल सकेगा। तो यूआईडीएआई में एनरोलमेंट कराने के बाद से व्यक्ति का राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला यानी कि स्थानीय स्तर पर वेरिफिकेशन किया जाएगा और अब से यह 3 स्तरीय वेरिफिकेशन व्यवस्था लागू हो चुकी है। तो सिंगरौली जिले के नए यातायात प्रभारी विद्या वारिधि तिवारी को बनाया गया है। तो वहीं 4 चौकियों के प्रभारी में भी फेर की गई है। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जिले के 4 चौकियों के प्रभारी और 7 उपरीक्षकों साथ के कार्य क्षेत्र में बदलाव कर उन्हें इधर उधर पदस्थ भी किया है।